इस मंत्र पर अमल करना होगा। अखंड भक्ति करनी होगी, ऐसी भक्ति जो हम इतिहास में सुनते चले आए हैं कि भक्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया, राजमहल सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग दी। भक्ति में ऐसे संघर्ष आए, ऐसी परेशानियां आए कि ऐसा समय आ गया कि लोग मारने पर तुल गए, मगर भक्ति का साथ नहीं छोड़ा, अपने भगवान से विश्वास नहीं टूटा। जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष आए कि धर्म का त्याग करने की ऐसी स्थिति आ गई सामने, मगर ऐसी अखंड भक्ति कि वह मार्ग नहीं छोड़ सके। हमारे पूर्वज वैसी भक्ति अपने अंदर लानी होगी। अखंड भक्ति की जीवन में कैसी भी परिस्थितियां, हम तो छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, हमारा यह कार्य नहीं हुआ, अरे हम तो इतना मंदिर जाते थे, हम तो इतना चालीसा पाठ करते थे, पूजा पाठ में जाते थे, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा विश्वास नहीं रह गया भगवान के ऊपर, ऐसे शब्द सुनने में आते हैं, ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर से जागने हो जाती है, हमारे प्रिय से प्रिय परिजन की या किसी की भी घर में मृत्यु हो जाती है, हमारा विश्वास टूट जाता है, जैसे इससे पहले कुछ था ही नहीं या इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। यह मान करके हम छोटे से भाव में आकर के उस परम सत्ता से अपना विश्वास तोड़ने का प्रयास करने लग जाते हैं। ऐसी भक्ति लाइए कि सब कुछ छिन भी जाए तब भी प्रकट सत्ता से आपका विश्वास डगमगाने ना पाए। ऐसी भक्ति लाइए कि उस प्रकट सत्ता का एक निर्देश बस हो जाए और उसके लिए जो करना पड़े वह कर करके गुजर जाए। ऐसी भक्ति अपने अंदर लाइए और प्रचंड पुरुषार्थ। प्रचंड पुरुषार्थ का तात्पर्य यह है कि रात्रि में जब विश्राम करने जाओ तो मन में यह चले कि आज मैंने कुछ किया या नहीं किया, आज मैंने समाज के लिए कुछ किया कि नहीं किया, आज मैंने अपने तीनों धाराओं के लिए कुछ किया कि नहीं किया, आज मैंने परिवर्तन लाने का क्या प्रयास किया, आज मैंने कितने लोगों को सुधारने का प्रयास किया, आज मैंने कितने घर में ज्योति जलाने का प्रयास किया। और जब प्रातः काल नींद खुले, आंख खुले, तो सबसे पहले दिमाग में आए कि आज मुझे कहां कहां जाना है और कैसे कैसे समाज में परिवर्तन लाने के लिए मुझे कार्य करना है। प्रचंड पुरुषार्थ का तात्पर्य कि जब आप पूजन करने, साधना करने, प्रकट सत्ता के सामने बैठो और गुरुवर के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखो जो कि कह रहा है कि मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब पता है, और उन गुरुवर की आंखों में आंखें डाल करके कह सको, गुरुवर जो आपने लक्ष्य दिया था उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है और आगे भी करता रहूंगा, और नित्य प्रतिदिन जब उस तस्वीर से नजर है उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में अपने लिए कुछ मांगना चाहते हो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मांगना चाहते हो, तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति से ही हर चीजें समाहित है, चाहे भौतिकवाद की हो चाहे अध्यात्म की हो, आपकी सारी इच्छाएं इन तीन कामनाओं से पूर्ण हो जाएंगी। इस पर विचार करके देखना, आप कोशिश भी करेंगे पूरे जीवन लग जाएंगे, कई ग्रंथ खोल करके बैठ जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र निकल जाएगी, आपको सार समझ में नहीं आएगा। सभी ग्रंथों का, सभी धर्मों का सार और निचोड़ परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा आज कम से कम शब्दों में, कम से कम साधनों में वह समाहित करके दे दिया गया है जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। आपको पता है कि आज भी आपके घर में ज्योत क्यों जलती है, आज भी आप धर्म के मार्ग पर क्यों चलते हैं? आप इसलिए चलते हैं क्योंकि आपके पूर्वज किसी के सामने झुके नहीं, नहीं। आप विचार करिए, अगर कोई किसी को कुछ वर्षों के लिए भी गुलाम बना लेता है, 10-20 वर्षों के लिए भी अगर कोई किसी को गुलाम बना लेता है तो उसको अपने जैसा ढाल लेता है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही कोई करेगा, मगर इतने वर्षों भारत में मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, सब कुछ लूट करके ले गए, सब कुछ ध्वस्त करने का प्रयास किया, मगर नमन है हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से आज भी हम धर्मवान हैं। हम गर्व करते हैं अपने पूर्वजों पर कि उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने यातनाएं सही, उन्होंने मृत्यु दंड स्वीकार किया मगर दूसरे धर्म को अपनाना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा,
अपने घर में पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा और उसी की वजह से आज हम सब कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते हैं, किसी ना किसी देवी देवता आराध्य से हम जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी धर्म से हम जुड़े हुए हैं। पर एक बार विचार करो, क्या आपकी आने वाली पीढ़ी यह कह पाएंगी?